नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एमपी पटवारी का जो रिज़ल्ट है और उसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बारे में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखते रहिएगा, क्योंकि आपको इसमें से दी गई इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे चैनल हैं जो कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो गलत मलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है इन सारी चीज़ों को देखते हुए। हमें पता है कि आप लोग बहुत ही परेशान होंगे, क्योंकि आपका रिज़ल्ट की कोई इन्फॉर्मेशन आप तक सही नहीं पहुंच रही है और आपको बहुत सारे चैनलों में तरह तरह की कट ऑफ बताई जा रही है, कट न्यूज़ बताई जा रही है। तो आप लोगों के ऊपर बहुत सारी कन्फ्यूज़न होगी, लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आज हम आपको सभी तरह की सारी आपकी मुश्किलों को यहाँ पर हल करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताऊंगा, फीमेल की और मेल की अलग अलग बताऊंगा, ओवरऑल परसेंटेज बताऊंगा कि कैसे कितने मार्क्स चाहिए कि ताकि आपको सिलेक्शन हो जाए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ और बताना स्टार्ट करता हूँ कि क्या कैसे। और इस वीडियो में मैं आपको इसके रिज़ल्ट की डेट भी बताऊँगा कि कब तक इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ कि ओवरऑल जो परसेंटेज है कि आपको इतने परसेंटेज अगर आपके आ रहे हैं मार्क्स तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी का, तो अगर आपके 50% मार्क्स आ रहे हैं पेपर में तो आप मान सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद कि आपका सिलेक्शन पक्का है। इसी तरह अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी का, तो उसमें भी 50% नंबर अगर किसी के आ रहे हैं तो उसका भी चांसेस हैं सिलेक्ट होने के। इसके बाद एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी की बात करें, तो एससी में 40% नंबर, एसटी में 40% और पीडब्ल्यूडी में 40% नंबर आने पर सिलेक्शन मान सकते हैं कि हो सकता है। ये ओवरऑल जो मैंने परसेंटेज बताई है कि इतने इतने परसेंटेज पे सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। अब अगर हम बात करें कि कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ जाने वाली है, तो अगर हम जनरल कैटेगरी मेल्स की बात करें तो उसमें 76 से 88 के बीच तक अगर नंबर किसी के आ रहे हैं कट ऑफ जा सकती है, इतने के बीच तक कट ऑफ जा सकती है। मेल्स की अगर हम फीमेल की बात करें तो 68 से 81 के बीच में फीमेल की कट ऑफ जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो उसमें 72 से 84 तक, और फीमेल की बात करें तो 66 से 79 तक जाएगी कट ऑफ फीमेल की, और मेल की 72 से 84 तक। इसी तरह अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो 62 से 74 मेल और 56 से 68 फीमेल की कट ऑफ जाएगी। और अब हम बात करें अगर एसटी कैटेगरी की, तो 57 से 69 तक मेल की जाएगी, और इसके बाद 50 से 62 तक फीमेल की कट ऑफ जाने वाली है। तो यहाँ पे हमने ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है, जो एनालिसिस काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, स्टूडेंट्स के रिएक्शन को देखते हुए यहाँ पे हमने गैस की है, तो यही कट ऑफ जाने वाली है। तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत, ये एग्जैक्ट एनालिसिस है। तो इस वीडियो में, और मैं आपको अगर हम बात करें कि इसका रिज़ल्ट कब तक आ रहा है, तो ऐसा उम्मीद लगाई जा सकती है कि मार्च के पहले या दूसरे वीक में रिज़ल्ट आ सकता है इसका। जी हाँ, मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक में रिज़ल्ट इसका डिक्लेयर किया जा सकता है, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।